नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2020 के नतीजों को लेकर विवाद अभी भी जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बैठक से पहले ही गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया। आपको बता दें, इस हिंसा में एक महिला की मौत हो गई है और एक नागरिक को गोली भी लगी है। तो वहीं इसी बीच ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया है और उन्हें ट्विटर की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर वो नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। दरअसल ट्विटर ने ट्रंप से अपील की थी कि वो उन 3 ट्वीट्स को अपने अकाउंट से डिलीट करें जो कि आपत्तिजनक हैं और हिंसा को बढ़ावा देती हैं, लेकिन ट्रंप की तरफ से ट्वीट नहीं हटाए गए, जिसके बाद ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट लॉक कर दिया। ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि वॉशिंगटन डीसी में जारी हिंसा की वजह से हमें डोनाल्ड ट्रंप के 3 ट्वीट हटाने पड़ रहे हैं, जिन्हें आज पोस्ट किया गया था। आपको बता दें, ये ट्वीट सिविक इंटीग्रिटी पॉलिसी का गंभीर रूप से उल्लंघन करते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि केवल ट्विटर ही नहीं बल्कि फेसबुक और यूट्यूब ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस वीडियो को हटा दिया है जिसमें यूएस कैपिटल में हिंसा के दौरान ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी 24 घंटे के लिए ट्रंप का अकाउंट लॉक कर दिया है। आपको बता दें, अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में निर्वाचक मंडल के मतों की गणना और उन्हें प्रमाणित करने की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हुई थी, लेकिन ट्रंप समर्थक की तरफ से किए गए हंगामे के चलते कार्यवाही को बीच में ही रोकना पड़ा। ट्रंप समर्थक पुलिस का घेरा तोड़कर कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए। बताया जा रहा है कि कैपिटल बिल्डिंग के अंदर काफी तोड़फोड़ भी की गई है। वहीं हालात बिगड़ते देख वॉशिंगटन में शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिकी सीनेट के अंदर की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उनमें प्रदर्शनकारी सीनेट चैम्बर के पास जमा हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ के पास हथियार भी देखे गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।